भाई तो अभी हमने नए साल को हेलो हाय भी ढंग से नहीं बोला एंड टाटा इज हियर विद अ सरप्राइज। फाइनली ईवी पंच जो है वो टाटा ने रिवील कर दी है एंड वी विल फिल यू विद ऑल द इन्फो दैट वी हैव अबाउट द ईवी पंच। भाई और ये बहुत इंटरेस्टिंग गाड़ी होने वाली है। आपको ईवीज में इंटरेस्ट है या नहीं है बट इस गाड़ी को जरूर ऑब्जर्व करें ध्यान से बिकॉज दिस विल चेंज द होल ईवी इंडस्ट्री एंड टाटा का ना गेम ही यही है। जैसा कि अभी हमने आपको रिसेंटली एक ट्रैक इन ऑटो न्यूज में बताया था कि टाटा हैज कम अप विद ऑल न्यू ओनली ईवी शोरूम इन दिल्ली एनसीआर, राइट? तो टाटा का जो प्लान है ना इज टू विन एंड लीड द ईवी इंडस्ट्री इन इंडिया। और आपको पता है टेस्ला भी आने वाली है तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं ट्रैक इन ऑटो एंड लेट्स टॉक अबाउट द टाटा ईवी पंच टुडे। इसमें दो वर्जन आएंगे, एक बेस वेरियंट और एक लॉन्ग वेरियंट। लॉन्ग वेरियंट बोले तो विद द लॉन्ग रेंज। सो आपको 300 से 400 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी और आपको इसमें दो चार्जिंग ऑप्शन मिलेंगे। और पता है आपको सबसे इंटरेस्टिंग ईवी पंच में क्या है? दैट इज द एक्टी ईवी आर्किटेक्चर। सो बेसिकली ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो टाटा अपनी सारी ईवीज में जो है आगे इंट्रोड्यूस करने वाला है एंड आपको बहुत सारे फीचर्स और बेनिफिट मिलेंगे। सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलेगा इसमें दैट एवरी टाटा व्हीकल व्हिच कम्स विद एक्टी ईवी आर्किटेक्चर विल बी 5-star। तो सेफ्टी आपको मिलेगी फुल ऑन 10/10। भाई तो अभी हमने रिसेंट में एक शॉट बनाया था अबाउट द ड्राइव टेरेन सिस्टम। आपको पता है ये जो ईवीज आएंगी ना ये फ्रंट व्हील ड्राइव भी हो सकती हैं, रियर व्हील ड्राइव भी हो सकती हैं एंड ऑल व्हील ड्राइव भी हो सकती हैं। सो यू कैन स्विच अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो बेसिकली फर्क क्या आता है आपको फ्रंट व्हील, रियर व्हील और ऑल ड्राइव में? जो है ट्रैक्शन और पावर डिलीवरी का। तो देखा जाए तो वैसे तो ये टाटा की फोर्थ इलेक्ट्रिक व्हीकल है एंड दिस विल बी द फर्स्ट व्हीकल टू कम विद एक्टिव ईवी आर्किटेक्चर। सो बेसिकली ईवी पंच के साथ आपको ये पता चल जाएगा ना कि टाटा इज गियरिंग अप फॉर समथिंग बिग बिकॉज यही सेम आर्किटेक्चर बाकी गाड़ियों में भी फॉलो होगा। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक स्टैंडर्ड ऑप्शन और एक लॉन्ग रेंज वेरियंट। सो जो लॉन्ग रेंज वेरियंट होगा उसमें आपको 35 kWh की बैटरी और जो स्टैंडर्ड वेरियंट होगा उसमें आपको 25 kWh की बैटरी और आपको इसमें सेपरेट चार्जर्स भी मिलेंगे। एक होगा 3.3 kWh का और एक होगा 7.2 kWh का। और अगर आप रेंज की बात करो विद दीज ऑप्शन तो आपको 300 से 400 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। So, वो जो रेंज एंजाइटी और ईवी का कनेक्शन है ना दैट विल लूजन अप विद दिस कार। और अगर इंटीरियर्स की बात की जाए तो जैसे बड़ी टाटा की गाड़ियों में आपको 2-spoke wheel देखने को मिलता है ना वही सेम स्टेयरिंग व्हील आपको ईवी पंच में भी देखने को मिलेगा और 10.25 इंच का आपको सेंटर कंसोल मिलेगा और 10.25 इंच का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। बट जो लोएस्ट वेरियंट होगा ना उसमें आपको अराउंड 7-ish inch की स्क्रीन देखने को मिलेगी। और अगर आप फीचर्स की बात करो ना तो इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं। एक ऐसा वेरिएंट है जो सनरूफ के साथ आएगा और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक असिस्ट की बात करो तो आपको 360 कैमरा मिलेगा, पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगी, क्रूज कंट्रोल मिलेगा और आपको ऑटो होल्ड मिलेगा विद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको 6 airbags मिलेंगे और जो भी टाटा की एक्टी ईवी आर्किटेक्चर के साथ गाड़ी आएगी उसमें आपको 5-star रेटिंग तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और इस पर्टिकुलर में आपको ABS, ESC और भी काफी सारे फीचर्स मिलेंगे। और टाटा पंच ईवी जो है 5 variants में आएगी, स्मार्ट, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस। और अगर प्राइस की बात करें तो ये 10 से 13 लाख में आएगा और 21,000 में आप इसको बुक कर सकते हो। बुकिंग्स हैज ऑलरेडी बिगन एंड टाटा विद द ईवी पंच इज टारगेटिंग टुवर्ड्स द सिट्रियन EC3। भाई आई गेस इट्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बिकॉज जो इसका स्टाइल है इज वेरी मिनिमलिस्टिक। जहां पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और कॉम्प्लिकेटेड डिजाइंस और एलिमेंट्स जोड़ते जा रही है और ज्यादा कर्वी और कॉन्टूर करती जा रही है हर पैनल को, ये जो ईवी पंच है ना इट हैज वेरी मिनिमलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स द डिजाइन एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। भाई ये तो बात हो गई टाटा ईवी पंच की, वी आर इवन मोर एक्साइटेड फॉर द सियारा एंड अदर मॉडल्स टू कम। पर अगर आपको उन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू हैव टू बी सब्सक्राइब्ड। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यू हैव टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड आपके क्या ख्याल और सवाल हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लाएं एंड शेयर दिस वीडियो विद अ टाटा लवर या तो वो बंदा जो ईवी खरीदने का सोच रहा हो। एंड गाइस बाय नाउ यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव टू कीप ट्रैकिंग, ड्राइव सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।